चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सुखबीर बादल, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, बिक्रम मजीठिया शुक्रवार सुबह सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश झुकाकर तीनों ने अरदास की। अरदास करने के बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया के सवालों का जवाब देते सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब में आप दोबारा उग्रपंथियों को बढ़ावा दे रही है। विदेश से ये उग्रपंथी उन्हें चुनाव के लिए फंडिंग कर रहे हैं। ताज़ा उदाहरण, पिछले दिनों आपके कन्वीनर व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खालिस्तान कमांडो फोर्स के मुखी गुरेंद्र सिंह के मोगा आवास पर रह ठहरे थे। विरोध होने के बाद पंजाब आप प्रभारी संजय सिंह ने मीडिया कॉन्फ्रेंस कर आतंकवादी को NRI बताया था। मंडी मौड़ में बम धमाके के पीछे भी सुखबीर ने इन उग्रपंथियों के हाथ होने की बात कही। कैप्टन पर प्रहार करते हुए सुखबीर ने कहा कि वे दो सीट यानी लंबी पटियाला पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दावे के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों सीटों पर इनकी जमानत जब्त होगी। डेरा बाबा सिरसा का श्रोमणी अकाली दल के समर्थन में वोट करने पर पूछे सवाल में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इतना जरूर कहा कि जितने सर्वे अकाली भाजपा की हार दिखा रहे हैं, सच्चाई में ये सर्वे पेट होते हैं। इस बार भी श्रोमणी अकाली दल भाजपा तीसरी बार जीत हासिल करेगी। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि वे हरमंदिर साहिब में तीनों भूल भक्षने के लिए आए हैं। पिछले 10 साल में सरकार ने काफी विकास किया है। वे वोटरों से श्रोमणी अकाली दल भाजपा के समर्थन में वोट डालने की अपील करते हैं। चोन प्रचार खत्म हो गया। मैं तो धन्यवाद करना चाहना समुची अकाली दल BJP लीडरशिप को, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, दिन रात लगे रहे। बहुत धन्यवाद बेनती करता पंजाब की जनता को कि डिवेलपमेंट, अमन शांति, भाईचारिक सांझ, बादल साहब का जिहड़े CM साहब की जिहड़ी सरकार की जिहड़ी अहम जिहड़ी एम है कि अमन शांति पंजाब च, भाईचारे किसान ते डिवेलपमेंट। गुरु साहब के चरणा च अरदास, तुमरी सड़न तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। मैं होर थाओ नहीं जिस पे करो बनंती, मेरा दुख सुख तुधी पास। खुशियां चे गमियां चे हमेशा ही इस गुरु के चरणा च ही अरदासां कीतियां ने, ते आज एक बार फिर गुरु दे चरणा च अरदास करन वास्ते पहुंचिया। मैनू पूरा विश्वास है कि मालिक रहमता करनगे, ते मैं लोकां नू भी अपील करदी हां कि तुहाडे फैसले तुहाडे हुंदे ने। एक पासे गुरु घरां नू सजाउण वाले ने, दूजे पासे गुरु घरां नू ढाउण वाले ने। एक पासे अमन ते शांति है, ते दूजे पासे जिहो जे हादसे पिछले दिनां विच होए ने, अमन शांति नूं भंग करन वाले हादसे ने। मैं आस करदी हां कि लोकी सोने गुरु घरां नूं सजाउण वालिआं दा साथ देणगे, ना कि जिन्हां ने अमन शांति भंग करके गुरु घरां नूं ढाउण वाले काम काज कीते ने, उन्हां दा साथ नहीं देणगे। अमृतसर से JRTV न्यूज़ के लिए धर्मवीर गिल की रिपोर्ट।